बैठे तो पढ़ नहीं रही हो क्या कुछ? नहीं पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा धूप में बैठे हैं, धूप का आनंद ले अच्छा, रहे हैं। मम्मी कहाँ है? मम्मी मेरी नीचे है ना, अपने छत पे हूँ। अच्छा मैं अपने छत पे हूँ, मम्मी नीचे है। हाँ अच्छा छत पर हो तुम? चलो छत पे अपने छत। तब, और हाँ सब तो ठीक है। इतने तुम सुंदर हो। अच्छा हाँ इतने सुंदर हो, तुम्हारे बूढ़ों में कोई लड़की नहीं होगी। स्कूल में तो कोई है ही नहीं है, चॉइस करवाए हैं। चॉइस? कैसे, किससे चॉइस करवाएं? हाँ क्यों, मतलब सुंदरता में ये सुंदर रानी कौन है? तो सभी मास्टर आप ही को उंगली उठाएंगे, आप तो सड़वाइन लग जाएंगी। हमारी ससुराल जहाँ है पता अच्छा। जोड़ेंगे तो। हम आपका प्रिय नाम रखेंगे रानी। अच्छा ठीक है, लेकिन हम आपको हम बहुत अचंभू, मैं कब को आ देगी स्कूल घर में, तुम सुंदर हो है क्या? क्या बड़ा सोच में पड़े हैं, चीज? बहुत सोच में पड़े हैं कब कैसे को आ देगी हम स्कूल घर में सुंदर हो। स्कूल भर में सुंदर हो लिख लो। हाँ अच्छा फर्स्ट टाइम कहाँ देखे थे मुझे, स्कूल में देखे थे? अच्छा तुम्हें तो और कहाँ देखे हैं? और तुम्हारे बुढ़ों ज्यादा नहीं करते हैं, कहाँ जाते हैं उधर? तो फर्स्ट बार में ही लग गया क्या? फर्स्ट बार में तुमको हम देखते नहीं रहे, जब गई थी एडमिशन कराने तो देखते ही रह गए। नहीं देखते रहे, तो अच्छा ताक रही थी। आप इसमें आपका नाम रानी रखे, आपको जो उपनाम रखना है रख लीजिए। अच्छा नहीं हम आपको सॉरी बोलेंगे सर। सर तो नहीं अच्छा चल, आपकी नहीं, सर नहीं सुनेंगे। सारी दीदी भी हैं कि नहीं? क्या हाँ बीवी तबीयत बहुत खराब है, हुआ है? अच्छा हार्ट के मरीज हैं। और वही आपके लड़का लड़की लड़के? लड़का एक ही है, और भी लड़की कोई नहीं है। वो भी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं, इंजीनियरिंग किए थे मिडिल स्कूल में, उनका डायरेक्ट मिडिल स्कूल में हो गया तो विज्ञान के टीचर। मान लीजिए सर, आप मान लीजिए 7-8 साल से होंगे स्कूल में, आप तो 7-8 साल से होंगे आप स्कूल में, जॉब कर रहे हाँ, होंगे। हमारे नाम से, हम प्रधानाचार्य जब से स्कूल खुला मेरे नाम से खुला। पहले मैं ठेकेदार था राजकीय निर्माण निगम का, रजिस्ट्रार ठेकेदार था। जब लड़के का हुआ, हम 5 साल से स्कूल पर ही रहा हूँ, उससे पहले केवल परीक्षा कराते थे। जब हम प्रिंसिपल हैं तो खोजते थे ना उस समय अधिकारी, तो केवल मैं परीक्षा कराता था। मैं एक बहुत दिन ही समय सर, लड़की है तो बहुत आई होंगी, बहुत गई होंगी। हमारे उम्र में, हमारे समय जमाने में हाँ 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 हम कोई के लगावे नहीं रखा, कोई से लगाव नहीं रखा रानी। और तुम्हारी सुंदरता देख के पता ना कैसे हम लगाव हमारा बढ़ गया। सही सच्चाई है ये। हाँ आज तक यदि लगाव रखते तो कोई ना कोई, देखो कोई के वो हो ही जाता है, पता चल ही जाता है। अब कब बात करेंगे? हेलो अब बात भी देखिए, मैं जैसे कभी कल मेरे पास ये फोन और रहता है, मम्मी के पास भी रहता है, सबके पास मेरे घर पे रहता है ये फोन। नहीं तो जब तुम्हारे पास, इसीलिए सबके पास तो नहीं, तो पर्सनल एक फोन, पर्सनल एक नंबर लीजिए। पर्सनल नंबर तो सर हम रखे नहीं आज तक। तो आप रखना पड़ेगा हमारे लिए अच्छा आपके लिए फिर क्यों, सर। कुछ इम्पोर्टेंट? क्यों सर, किसी इम्पोर्टेंट बात करने है क्या? तब और काहे लिए कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? अब हमको तो सर मालूम नहीं, इतना नॉलेज रहता तो नहीं सर समझते मालूम तो रहते। है मालूम बच्चा। सर नहीं है सर, तभी सर तो सर आज ठीक है, तो नॉलेज मैं दे दूंगा आपको, इतना तो उम्र है ही है कल कि नॉलेज दे दूंगा। यही लिए तो कह रहा हूँ। आपका पहले ही कह दिया कि आप तो वाइफ बॉयफ्रेंड या जिससे प्रेम करती होंगी, कोई कोई ऑब्जेक्शन मेरे तरफ से नहीं होगा। हाँ आप बता देंगी सर, वैसा सच्चाई। था ये नहीं, हम बनाया ही सुनो नहीं तो, है। सुनो तो, आज के जमाना बहुत उल्टा है रानी। उल्टा है सर, लेकिन हम बहुत अपना सोच समझ के काम करते हैं, वही बोलते कहने का भी हैं। मतलब है, आज आज का जमाना ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और अंत में साले धोखा देते हैं। हम तो अब 56 साल के हो गए, अभी 6 साल नौकरी है, 62 में रिटायर होंगे। तो इतना उम्र में हम देखते नहीं है कि कौन कैसा है, कौन कौन क्या होता है। तो आप हमको एक बार में देख के समझ गए, हम बताइए किस टाइप के लगते हैं? तुम्हारे से सुंदर तो कही तो दी है, तुम कहती हो कि कोई हमको टच नहीं करता, ये मान नहीं सकते यार।
आप नहीं मान सकते सर, नहीं मान सकते दोस्त, यदि हमसे प्यार से बतियाओ ना, मैं तुम्हारा हर चीज गन दूंगा तुम्हारे दिल में बैठ के। झूठ बोलती हो कि सच्ची बोलती नहीं, हो? नहीं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, वही बात कर रहा हूँ। नहीं अभी तो एक मिनट, अभी हम जो कहे ना कि हमसे तुम प्यार से बात करो, हर चीज खुल के बात करो, देखो तुम्हारे दिल में बैठ जाता है कि नहीं, और तुम्हारी हर चीज जानता हूँ कि नहीं। हाँ हमारा रहा एक इलाहाबाद में, इलाहाबाद में जब ठेकेदारी करते थे, यूनिवर्सिटी में वो चलता था, मिर्जापुर के एक पंडित आए थे, पंडित की लड़की थी, पिताजी उसके पीछे सरकारी थे, तहसीलदार थे बांदा में। तो वो लड़की अपने आप हमसे बोली, हम जिस दिन तुमको फोन किए कि परीक्षा होना है, हम तुमको केवल बुलाने के लिए किए थे। अच्छा हाँ तो चाहिए था। हाँ उस दिन गए थे, नहीं जिस दिन फोन किए थे परीक्षा होना है, उसके कई दिन बाद एकदम उसके बाद परीक्षा देने के लिए गई हो। गलत कह रहा हूँ तो बोलो। मैं तुम्हारे चक्कर में इंटर वाले लड़कियों में जाता हूँ, वो बबीता वबीता और चौहान वोहान जो है बहुत अच्छी नाम है सर, कैसे मालूम? हम जानते हैं सबका। अच्छा नेचर नहीं जानते हैं? हाँ नेचर से बिहेवियर से भी पता चल जाता है वो तो, बस नेचर तो सबसे बड़ा चीज होता है। तो मैं देखा हूँ। हाँ वो बबीता तो बहुत बड़ा, वो जो मैथ पढ़ाता है पाल, उसकी रखेल है। आकर कहीं बात ना खुले? नहीं नहीं, हाँ ऐसे हम सर सुने भी थी क्लास में, कुछ लड़कियाँ बोल भी रहे थे। हाँ खुला उसके वो नहीं, एक चौहान जो है वो जो भगाए हैं दया सर। हाँ और ऊपर हथौड़ी की है। वो भी उसके साथ है दोनों। अच्छा मिल के उसका वो जानती है, उसका वो जानती है। पाल को इस बात पर तो कई दिन हरका दिए हैं, लेकिन स्कूल में ऐसी कोई बातें नहीं है तो क्या कहेंगे आप बताओ? स्कूल में बात हो तब न कहें, स्कूल में वैसी बातें नहीं है, वैसा नेचर नहीं है, इसीलिए मैं टहलता रहता हूँ। आप तो मुझे देखते ही हम क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं, वही लिए तो जाता हूँ भैया। किसी से कोई मतलब नहीं रहता है मुझे, मुझे अपने पढ़ाई से मतलब रहता है, पढ़ने के लिए वही तो कह रहा हूँ। देखूंगा तो सबसे पीछे उधर कोने में न पीछे ताकना है न आगे ताकना है। हाँ कि कोई हमको देख रहा है, कोई हमारे पीछे आया है तो देख कर लू एक नजर। नहीं मेरे अंदर ये सब नहीं, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे तो कोई मतलब नहीं रहता। नहीं मतलब तो अब रखना होगा आपको, मतलब तो अब रखे के पड़ी तरह। अब देखते हैं बुआ से भी मुझे कोई लगा रहते हैं, किसी से बोलते हैं बुआओं से मतलब? अना फालतू में घूमते हैं, ये तो बढ़िया गुण है, इसीलिए तो हमारा आपके ऊपर हर लड़कियाँ कम से कम घंटी में हमको नहीं लगता है, दो चार बार पानी पीने जाती है हम लोग। वो तो जान के दिखाने के लिए। सुनो अब तो तुम घंटी भी चलती रहेगी तो बहाना करके आओगे मिलने? कहाँ पे मिल रहे हैं सर? तो वही हम बाहर बरामदे में बैठते हैं कोने पर। सर मिलना क्या है हमको, ऐसा बस बहुत अजीब टाइप का लगता है, हमको अच्छा ही नहीं लगता ये सर। मिलोगे तभी तो अच्छा लगेगा, मिलोगे तभी तो अच्छा लगेगा। मिलना क्या है सर? आओगे बहाने से बोल रहे हैं, देख के हंसी तो आएगा, तुम भी हम सब हम ही हंसेंगे। ये भी होता है क्या सर लाइफ में, ऐसा भी कुछ होता है क्या? बहुत कुछ होता है, सिखाओ बबली सिखाओ सर, हम सिखा रहे हम ऐसा कुछ होता है तभी सर हमारे भी दो तीन बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन हमको फटीचर ही करना नहीं है। इतने सुंदर चीज को ऐसा कोई नहीं है कि इतने सुंदर चीज को कोई आज तक न मिला हो, ये मान नहीं सकते, मान नहीं सकते। मिला है बट हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं सर, मेरा रीजन ये है, एक्सेप्ट नहीं किए, बहुत लड़कियां हैं लेकिन हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, मार उड़ के भगा देते हैं। अब ये कहो कुछ भी करो मार के भगा देती हो कि क्या करती हो, ये अब आप जानो। अब सुंदरता सुंदरता पर तो सभी मरते हैं, गोली चला देंगे तुम्हारे पर, ऐसी बात नहीं ना। ये तो झूठ बोलती हो कि मारते मारते हैं, मारोगे तो टांग ले जाएंगे। बुढ़ो गांव में आपस में बहुत कुछ होता है।
हम बगल एक बार मेरे बारे में ना पता कर लीजिए बायोडाटा, अगर कुछ भी ये बायोडाटा हमको नहीं लेना है, हम सुंदरता की बात कर रहे हैं, नहीं हम सुंदरता की बात कर रहे हैं, हम सुंदरता की बात, जो जैसा रहता है उसके बारे में नाम चाहते हमेशा हर जगह रहता है। ये चीज नहीं छोड़ दो, एक कलुषी भी है तो कोई ना कोई है, जैसे कोई नहीं पूछता वो क्या है। आज के जमाने में 12 साल के लड़की हुई ना बबली तो ओकर जरूर दोस्त हो गया है, गलत कर रहा हूँ तो बोलो। सिचुएशन ऐसा है हो रहा है। हाँ तो फिर जो सिचुएशन है वही तो बता रहा हूँ तुमको। चलो उसे नहीं मतलब है, हमें मतलब है तुमसे, भगवान करे तुम्हारा कोई ना हो। हाँ बुढ़ोती में हमारा ही रहो। अच्छा ठीक है, ठीक है। वादा कैसा वादा सर? कि हमारा ही रहो, मतलब हम सर समझ नहीं पाए आपके कहने का, जाने तो नहीं समझ रही हो तो हम समझाएंगे भी नहीं, समझ रही हो तो बहाना मार रही हो, नहीं बहाना नहीं, समझ नहीं पा रहे, कहना क्या चाहते हैं कि हमारा ही दोस्त रहो। अच्छा दोस्त रहे, हाँ ठीक है दोस्त। और का हम शादी करने लायक है कि तुमसे कहें कि हमारी बीवी बन जाओ? हम शादी नहीं करेंगे, ये कहेंगे तुम्हारे शादी में सहयोग करेंगे, तुमको जो लगेगा हम देंगे, ये कर सकते हम रानी कहेंगे। व्हाट्सएप पर इसीलिए चेहरा देखना चाहता हूँ तो बना के भेज नहीं रही हो, सर डाटा ही खत्म हो गया है नेटवर्क तो जा ही नहीं रहा है, हम तो क्या हूँ तो वही ना सर, डाटा ही खत्म हो गया है मेरा मेन, लेकिन इसमें वो डाल दीजिए आजकल में डलवाएंगे, रिचार्ज डलवाएंगे, हाँ डलवा लीजिए, अब दोस्ती करी हो तो भूलोगी नहीं? हाँ एकदम आपको याद रखेंगे सर, जब तक जी तब तक याद रखेंगे सर आपको, वादा हाँ सर एकदम वादा है एकदम सर। आप रोज क्लास आएंगी 9 बजे से पहले, रोज 9 बजे 9 बजे से 5 मिनट पहले रोज आएंगे। हाँ लेट हो जाता है सर, सो करते हैं बहुत लेट सर हम, अच्छा लेट नहीं अब आएंगे तब, हाँ कोशिश करेंगे सर, तब देखेंगे कि तब हमारी दोस्ती में दम है कि नहीं। हाँ हाँ एकदम सर, हाँ पूरे भरपूर दम है सर आपने तो एकदम, 9:15 तो मैं आ जाता हूँ। हाँ और लोग आते हैं 9:30 तो सर फोन अलाउड कर दीजिए ना स्कूल में लाने के लिए, थोड़ा है फोन अलाउड कर दीजिए ना लाने के लिए, जिसके पास ले आके धर देना, लेते आना धीरे से हमको दे देना, फिर जाने लगना हम दे देंगे, अलाउ है अब तुमको अलाउ कर दूंगा, वहाँ कोई लड़कियाँ देखेगी तो सब धर के आएंगे, सब यार को बुलाएंगे। ये चीज को नहीं समझ रही हो, ये सब यार को होता है, ए बाबू होता है नदान बनो ना कि अच्छा लगे, मैं जानता रहूं नहीं हम जानते हैं बस इतना, अरे खूब जानते हैं खूब जानते हैं खूब जानते हैं, हम लोग आईडी स्कूल सर बहुत फेमस है सर, बहुत लड़के भाग गई है, कहाँ पॉलिटी फील होता है आपके स्कूल से सर, आपके स्कूल से बहुत लड़कियाँ भाग गई हैं, दो तीन तो भाग ही गई सर, नान जात वो स्कूल में गरीब आते हैं पढ़ने, क्योंकि सबसे कम फीस है हमारे स्कूल में, कितना फीस लगता है तब भी 300 लगता है ना महीने, 300 ये साल के हैं ना, 250 था, अच्छा चोट से पढ़े हैं उसमें 500 रुपए लगता था, हम देते भी छिपावे कहते हैं, कोई चीज सीखना है छिपाने वाली बात लड़कियों से सीख। अच्छा बताइए सर अभी तक मेरा बॉयफ्रेंड आता था कितना कॉल कर दिया होता है, अभी तक कर रही थी बॉयफ्रेंड का है नहीं है, है रानी अब है तो निकाल लीजिए, है तो निकाल लीजिए कहीं से, अब मोबाइल कल से यदि कल ऑपरेशन हो जाता है तो परसों तो मोबाइल हाथ में लेवे करूंगा, जब हमारा यार होंगी हमारा मान रखना, एकदम सर में आपका सर एकदम ऊंचा कर देंगे एकदम सर, फिर सर नहीं नाम रोशन करेंगे हमारा भी नाम देंगे एक बार की स्टूडेंट थी क्लास कह रहे हैं जो हथौड़ी से आती है, अच्छा ये तो चौहान है, हाँ हाँ चौहान ये तो चौहान है, इसका बाप वो जो बिल्डिंग ऊपर देख रही हो वो चढ़ाई किया है, ठेकेदारी करता है, हम उसको ठेका दिए थे, हाँ ये अपने तेज लगाती है, बहुत बड़ी छिदार है, बहुत बड़ी किसको किसको गिना है बताना सर, आपको कैसे मालूम है सर कि ये स्टूडेंट है? लक्षण देखते हाँ कहे हम ये बताओ, प्रिंसिपल तो ऑफिस में बैठा रहता है, हाँ
प्रिंसिपल तो ऑफिस में बैठा रहता है। हाँ हाँ ये तो बात सही है, लेकिन तुम्हारा प्रिंसिपल कैसे घूमता रहता है? हाँ सही बात है, आप चारों तरफ तो घूमते ही रहते हैं लड़कों में लड़कियों में। जब प्रेयर से पहले प्रेयर में हम ही खड़ा होते हैं, प्रेयर में हम ही देखते हैं कि किसकी नजर किधर है। लंबे हैं सबसे, जैसे तू लंबी हो वैसे हम लंबे हैं, तो क्यों क्यों ताकते हैं? तुम्हारे तुम्हारे पता नजर डालो तो तुम्हारा नजर तो नीचे रहता है, ये को बताती नहीं हो हमारे तरफ। हम सर हमेशा नजर अपने नीचे करके चलते हैं। मम्मी बताते हैं कि कोई ताके तो तुम देखना मत कभी, नीचे तो झुका लेना। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही संस्कार है सर, हमको जैसा संस्कार दिया गया है उसी संस्कार के। ठीक है वो ठीक है, ये हम कहाँ मना कर रहे हैं, ये तो सबसे बढ़िया गुण है। आज के जमाना वो नहीं है, आज के जमाना है खाओ हरिचंद बने रहो, स्कूल भर में नहीं फ्री है। हाँ तुम्हारे पास सोओगी खाओगी कैसे हो, अपने पास बैठा कर चलूंगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन और लड़कियों को नहीं, हाँ हमारे बस के नहीं है। पहले यहाँ होता है कि कोई लड़की के घर के नहीं जाएगा, सब कही कि हम भैया चलेंगे, हम भैया गाड़ी भरा देंगे, मैंने यार को भैया कह के ले गई सब। अच्छा वहाँ जब रात को रुके होटल में बोलिए गेस्ट हाउस, तो ये रात भर सोवे ना, हम कहे लड़के जितने भैया हैं सब सारे इधर गाली देके कहे सब सारे इधर अलग रूम में सोएंगे, लड़के सब अलग रूम में सोएंगे, और जितने लड़कियां हैं अलग तीन रूम लिए थे। हाँ। हम कहे जितने लड़कियां हैं सब वो दो रूम में सोएंगे, जितने लड़के हमारे साथ सोएंगे, माने जो लड़कियां थी उसमें 75% लड़कियों के यार थे, जो लड़कियां यार नहीं ले गई थी वही सो रही थी, नहीं तो उन लोगों को नींद नहीं आ रहा था भैया, तो कहा माने डर लगता है। सॉरी बताओ वो सब ठीक है, और तो खुल के नहीं बताइए आप क्या बताएं सर, बताने क्या बताएं? तो तुम्हारी एक 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 बात पर हमको प्यार हो गया, देखो कौन बात पर क्या कही हो हमको, क्या क्या कही जब फोन काटे तो फोन काटे तो क्या बोले, ठीक है सर यही तो बोले नहीं बाय बोले बाय सर ना बाय दोस्त बाय बाय दोस्त कही थी दोस्त कहे तो याद हाँ तुम्हारे मुंह से यही निकला तभी तो बोल दिया होंगे सर हाँ यही निकला यार तभी तो मन एकदम तुम्हारे पर लट्टू हो गया हमारा अच्छा ओहो मन में लड्डू फूट रहे होंगे तुम्हारी कसम भगवान कसम जंगली बाबा कसम जंगली बाबा को बहुत बड़ा देवता मानते हैं हम तू ये शब्द कही इतना जंगली बाबा हम भी सोचे कि सर थोड़ा खुश हो जाएंगे बोल देंगे तो बनाएंगे ठीक ना हाँ हाँ ठीक है सर तब रखे रखोगी हाँ रखने का तो मन नहीं कर रहा है ओहो प्रिंसिपल सर को रखने को मन नहीं कर रहा है क्या बात है प्रिंसिपल सर दोस्त सर कैसे थोड़ा याद आ जा रहा है ना मतलब सर की भाई सर का सर कहते कहते होती है ना आदत की हो जाती है हाँ तो वो स्कूल में हाँ यहाँ नहीं यहाँ गुरु नहीं यहाँ दोस्त दोस्त मानोगी ना दोस्त हाँ हाँ एकदम सर कसम 100% सर कसम 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 से सर जंगली बाबा कसम अरे सच में सर आप कह रहे हैं कसम से देखेंगे ठीक है दोस्ती करोगी तो किसी माने में कम नहीं रहोगी किसी से ओके ओके सर ओके बाय बाय मिला क्या दोस्त की तरफ से हाँ ठीक है बाय दोस्त सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल